बहुत स्वागत है जी सारों का। मैं हाँ सुरेंद्र डल्ला। एक बार फिर कनेडा तो जिहड़े नवे अपडेट्स आए ने उन्हां दा एनालिसिस करन दे लई साडे नाल जसमीत भाटिया जी मौजूद ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिहड़े कनेडा दे ट्रैवल नूं लैके जिहड़े अपडेट्स आए ने उन्हां नूं हजे भी पूरी कलैरिटी दे नाल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे टेलीफोन आ रहे ने। पूरी सिचुएशन कनेडा दी इस वक्त की है, ट्रैवल नूं लैके, वैक्सीनेशन नूं लैके और रिजल्ट्स नूं लैके, और सितंबर इनटेक ऑफलाइन दी जिहड़ी पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है। जसमीत जी पहले ही अनाउंस कर चुके ने, हुण नवी एडमिशन नूं लैके की कोई स्कोप है, क्योंकि जनवरी इनटेक लई भी वेटिंग शुरू हो गई है बहुत सारिया थावां दे उत्ते। सो ये सारे सवाल है जिन्हां दे आंसर जसमीत जी तो लवांगे। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद जसमीत जी। जसमीत जी ट्रैवल अपडेट है जिहड़ा, भावें 5 जुलाई तो ट्रैवल का अपडेट है, लेकिन बहुत सारियां उहदियां मदां ने, बहुत सारे उहदे उहदे पॉइंट्स ने जिहड़े स्टूडेंट्स चंगी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। हकीकत च पंजाब दा स्टूडेंट डायरेक्ट कनेडा फ्लाइट कदों लै सके? सी आई विल टेल यू कि 5 जुलाई तो जिहड़ा होटल क्वारंटीन 3 दिन का मैंडेटरी हैगा सी वह खत्म कर दिता गया फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलरस लई, चाहे वह स्टूडेंट है, चाहे वह टूरिस्ट वीजा है, चाहे वह PR होल्डर है, जिहड़ा फुली वैक्सीनेटेड है। सो इस 3-4 चीज़ा पॉइंट रखने वाली हैं। सो जिहड़ी वैक्सीन हैगी है दैट शुड बी कोविड शील्ड ओनली। सो जिहड़ी वैक्सीन हैगी है इंडिया च जिहड़ी कोवैक्सीन या कोविड शील्ड लग रही है, बट कोविड शील्ड इज एक्सैप्टेबल। जिहड़ियां वैक्सीन बाहर लग रही हैं फाइजर, मोडरना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन इज एक्सैप्टेबल। सो जे तुसी कोविड शील्ड ट्रैवल करन तो 14 दिन पहला दूजी डोज लवाई सी तां तुहानू 3 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन नहीं करना पेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 5 जुलाई। मैं लगता है कि ये मैं बड़ा क्रिस्पली और क्लीयरली सारे स्टूडेंट्स नू क्लीयर करता है कि 5 जुलाई तो जिहड़े भी ट्रैवलरस होणगे उन्होंने 3 दिन का क्वारंटीन नहीं करना पेगा। पर जिहड़ा नॉर्मल क्वारंटीन पीरियड है जो किसी घर जाके करते हैं, होटल च करते हैं, या कोविड रेडीनेस प्लान जिहड़े किसी कॉलेज का रेंदे हैं वो स्टूडेंट्स नू करना पएगा। सो वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नू कोविड रेडीनेस प्लान जिहड़ा कॉलेजेस दा वो लेना पएगा। थर्डली सो हुण असीं गल करदे हां कि इंडिया तो फ्लाइटां खुलियां कि नहीं खुलियां। सो इंडिया तो जिहड़ा ट्रैवल बैन हैगा वह एक्सटेंड कर दिता गया डायरैक्ट फ्लाइटां वास्ते 21 जुलाई तक। सो इंडिया तो जिहड़ा ट्रैवल बैन है वह एक्सटेंड कर दिता गया 21 जुलाई तक। सो स्टूडेंट्स मैं एक दसना चाहवांगा, पाकिस्तान तो ट्रैवल बैन हटा दिता गया। सो मैनू लगता है कि जे पाकिस्तान तो ट्रैवल बैन हटा दिता गया, होर देशों तो भी ट्रैवल बैन हटा दिता गया 5 जुलाई तो, सो इंडिया तो भी 21 जुलाई तो ट्रैवल बैन हटन की पूरी पूरी उम्मीद है। सो स्टूडेंट्स 21 जुलाई हाँ जी 21 जुलाई तो क्यों उम्मीद है सर, इहदे पिछे रीजन की है? क्योंकि कोविड जिहड़े कोरोना के अपने केसिस है वो डेलीबरेटली डाउन जाई जा रहे हैं, और जिहड़े स्टूडेंट्स उन्होंने नीचे एक नोट दिता है जिहदे ते मैं आ रहा सी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रैवल आर एलिजिबल टू एंटर कैनेडा विद वैलिड स्टडी परमिट हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, और जिन्होंने वैक्सीन लग चुकी है दे आर अलाउड टू एंटर कैनेडा इन वैलिड DLI इंस्टीट्यूट जिहड़े कोविड रेडीनेस प्लान विच हैगे हैं। सो एक उन्होंने नोट दिता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन एंटर कैनेडा। सो 21 जुलाई तो मैंने लगता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हमेशा ही कैनेडा की प्रेफरेंस रहे हैं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और ट्रैवलरस नूं कैनेडा च एंटर करन दी परमिशन दे दित्ती जाएगी, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट एल्स सितंबर तक पहुँच नहीं पाएंगे। सो ये सारिया चीज़ा पॉजिटिव वे वाल चल रही हैं। सो स्टूडेंट्स आई फील कि हुण जिहड़े स्टूडेंट्स दे वीजा स्टैम्प्ड है वह ट्रैवल कर सकेंगे 21 जुलाई तो बाद। पर जे तुसी उन्होंने ये भी मैनशन किया है कि जे इनडायरैक्ट फ्लाइट लैके आ रहे हो दैन 3 जो तुहानू दूसरे कंट्री विच रुकना पएगा, उत्थे रहना पएगा 2-3 दिन, उत्थे कोविड टेस्ट की नैगेटिव रिपोर्ट लैनी पएगी, और फिर तुसी ट्रैवल कर सकोगे कैनेडा। बट दैट इज़ नॉट द वे टू ट्रैवल। आई विल नॉट एडवाइज एनी स्टूडेंट। सो राइट नाउ यू शुड वेट फॉर डायरेक्ट फ्लाइट्स टू ओपन, और एयर कैनेडा ने अपनी फ्लाइट बुकिंग सिस्टम ओपन कर दिता है इंडियंस वास्ते। सो दिस इज
दिस इज द लेटेस्ट अपडेट जिहड़ा नटशेल च मैं सारे स्टूडेंट्स दे नाल शेयर कीता इस वीडियो दे राही। एंड मैनू लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है कि 5 जुलाई तो जिहड़ा 3 दिन का क्वारंटीन का खर्चा सी फुली वैक्सीनेटेड मतलब जिन्हों 2 डोजेज लग जाएगी 14 दिन लग गए हो जाएंगे 2 डोजेज लगे उन्होंने हटा दिता गया। बिल्कुल चंगी गल है जसमीत जी, पर कनेडा ने यह कलैरिटी हजे भी नहीं दिती कि जेडे स्टूडेंट पॉजिटिव हो गए सी ओ कि उन्हां नूं इंजेक्शन की लोड़ है वैक्सीनेशन की लोड़ है, क्योंकि साढ़े पॉलिसी है इंडिया च हुण कि अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो 3 महीने उन्हूं इंजेक्शन नहीं लगना। मैं भी पॉजिटिव होया सी उहदे ते भी उन्होंने कहा रेस्ट अदर ट्रैवलर्स हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब उन्होंने 3 दिन का क्वारंटीन पीरियड करना पड़ेगा अदर ट्रैवलर्स नू, रेस्ट अदर ट्रैवलर्स हैव टू फॉलो क्वारंटीन 3 डेज क्वारंटीन होटल वाला भी लेना पड़ेगा और 14 दिन बाहर भी उन्होंने क्वारंटीन करना पड़ेगा। रेस्ट अदर कंडीशन जेडे कोविड पॉजिटिव हो गए जेडे की कहते हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगी या नहीं लगवाना चाहते या कोई होर रीजनस करके या जिन्होंने को वैक्सीन लगी इट इज़ नॉट एक्सैप्टेबल, सो उन्होंने सारियां रेस्ट अदर फॉलोज ऑल द रेगुलर जो रूल्स है उन्होंने फॉलो करने पैणगे। बिल्कुल ठीक है, सो उन्होंने बाकी सारे रूल्स ने जोड़े वो फॉलो करने पैणगे। सो जसमीत जी ये नाल मैं ये जानना चाहूँगा कि वेटिंग लिस्ट कहते जनवरी इनटेक लिए बनने लग गई है तो साढ़े 10+2 वाले स्टूडेंट्स जिन्हों के रिजल्ट नहीं आए CBSE 10+2 पंजाब बोर्ड वो स्टूडेंट्स फिर की करेंगे अगर जनवरी इनटेक की वेटिंग बन गई, जनवरी इनटेक पहले ही छोटा होंगे। सो जनवरी इनटेक ऑलरेडी वेट लिस्ट कर हो रहे हैं, मैं सारे सारे नु कहना चाहवांगा राइट नाउ सम पीपल आर थिंकिंग कि कहते हैं कि वी शुड वेट टिल द फ्लाइट्स आर ओपन टिल द VFS नॉर्मल ऑपरेशन ओपन टिल एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट आई विल टेल यू कि राइट नाउ रिजल्ट स्लो है एवरीथिंग इज स्लो बट आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफर लेटर्स विल टेक सो मच टाइम देर विल बी नो प्लेसेज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस इट विल बी अ रियली बिग फाइट टू गेट एन ऑफर लेटर ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज, सो स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स शुड बी रियली रियली सेंसिटिव एंड प्लान इट बिफोर हैंड मतलब कि हुणे तो ही असी प्लान करना शुरू कर दिए जिन्होंने खास करके इस साल प्लस टू की है एंड जिहड़ी उन्हां दी प्लानिंग जे मिसिंग हैगी है तां वो अपनी प्लानिंग करन अपने फ्रंट्स रेडी रखन। कई बार इदां हुंदा कि स्टूडेंट्स ऑफर लैटर लै लैंदे हैं ऐतकी देखण नूं मिलिया बट फीस जमा नहीं कराउंदे, सो दिस इज समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट कि जो स्टूडेंट्स तुहानू की कहिंदे आ ऑफर लैटर मिल चुकी है तो आई विल एडवाइज यू कि तुसी अपनी फीस जमा टाइम सिर कराओ। सो बिल्कुल जदों तुहानू फीस तुसी टाइम सिर जमा कराओगे उस तो बाद फिर तुहाडा प्रोसैस है जिहड़ा स्टार्ट होएगा। और जसमीत जी इहदे नाल नाल मैं एक पॉइंट होर लैना चाहूँगा कि जिहड़े रिफ्यूज्ड स्टूडेंट ने जिन्हां दे पहला रिफ्यूजल ने या गैप वाले ने कि उन्होंने कोई गुंजाइश है जनवरी इनटेक दे विच या यह मनिया जाए कि उन्होंने सितंबर भी मिस करता तो जनवरी उन्होंने लगभग असंभव हो गया। नहीं, इस टाइम ते जनवरी इनटेक इज ओपन, सो आई विल एडवाइज कि स्टूडेंट्स शुड गो हैड फॉर जनवरी इनटेक, खास करके जिन्होंने पहला रिफ्यूजल का सामना करना पिया सी या जिन्हों का गैप है या दैट इज दे हैव सम इशूज इन देयर प्रोफाइल, सो स्टूडेंट्स वी विल आई विल एडवाइज यू कि जनवरी इनटेक लिए हले जल्द तो जल्द तुसी अप्लाई कर सकते हो एंड स्टिल वी हैव स्पेसिस इन जनवरी इनटेक, और जेडे जुलाई चुन रिजल्ट आएंगे प्लस टू वाले स्टूडेंट्स उन्होंने भी जल्द तो जल्द अपनी ऑफर लैटर और आईलेट्स का एग्जाम बुक करके रिजल्ट ले लेना चाहिए। सो जनवरी इनटेक इज राइट नाउ अवेलेबल पर मैनू लगता नहीं है बहुत सारे कॉलेजेस दे कोर्सेज वेट लिस्ट हो गए हैं और बहुत जल्द जनवरी इनटेक भी क्लोज हो जाएगा और स्टूडेंट्स नू मई 2022 च अप्लाई करना पेगा एंड रिलेटिवली मई इज अ स्मॉलर इनटेक बहुत घट सीटा होंदियां मई च, सो कुछ मनपसंद कोर्स स्टूडेंट्स दे उन्हां नू मिलणगे सितंबर 2022 च। सो तुसी गल्लां जी देख सकते हो कि अज आपां जून च बैठे हैं और असी सितंबर 2022 दियां सीटां डिस्कस कर रहे हैं, सो उन्हां दे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जिहड़े जिन्हां ने हले अप्लाई करना है सो उन्हां नू सीरियसली लै लेना चाहिए, सो इफ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू कैनेडा बिकॉज कैनेडा वेटिंग पीरियड अज कोविड करके चल रहा सी और फ्यूचर विच सीट्स करके वेटिंग पीरियड रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, सो कैनेडा का पूरा सर्कल पुरानी थां ते आउण दे लई मैनूं लगदा है कि 2-3 साल इहनूं लगणगे पुरानियां नॉर्मल स्थितियां बणन दे लई,
कनेडा नूं। सो थैंक यू सो मच जसमीत जी। सो स्टूडेंट्स जिहड़े परसनली मिलना चाहुंदे ने जसमीत जी नूं 9413-9412 सारे ऑफिसिज लैंडमार्क दे पंजाब दे भी खुल गए ने। सो सारे ऑफिसिज दे विच तुसीं लैंडमार्क दे विजिट कर सकते हो, वट्सएप करके अपॉइंटमेंट बना सकते हो, कोई तुसीं ईमेल करना है तो info@landmarkimmigration.com ते अपनी ईमेल भेज सकते हो, प्रोफाइल एक्सैस करा सकते हो, PR दे लई भी तुसीं प्रोफाइल एक्सैस करा सकते हो क्योंकि RCIC मैंबर ने जिहड़े जसप्रीत कौर भाटिया जी वह भी अजकल कनेडा ऑफिस तो चंडीगढ़ ऑफिस के विच ने, तुसीं उन्हां नूं भी मिल सकते हो। सो थैंक यू सो मच जसमीत जी, तुसीं टाइम कढ़िया। 25 जुलाई नूं गुरप्रीत जी लुधियाना ऑफिस होणगे, जिहड़े गुरप्रीत जी नूं मिलना चाहुंदे आ उह 25 जुलाई नूं मिल सकदे आ। सो 25 जुलाई नूं लुधियाना ऑफिस च, साडे लुधियाना ऑफिस दी लोकेशन चेंज हो चुकी है, लेगेसी टावर कॉर्नर बिल्डिंग। हां सॉरी 25 जून सॉरी 25 जून नूं गुरप्रीत जी लुधियाना ऑफिस होणगे। सो साडे लुधियाना ऑफिस दी लोकेशन चेंज हो चुकी है, लेगेसी टावर कॉर्नर बिल्डिंग फिरोज़ गांधी मार्केट च साडा ऑफिस है। सो तुसीं आ थर्ड फ्लोर ते उत्थे लैंडमार्क इमीग्रेशन च तुसीं साडे ब्रांच मैनेजर जतिंदर और मिस्टर गुरप्रीत जी नूं मिल सकदे हो 25 जून नूं। सो स्टूडेंट्स आई विल विश यू लक कि जिहड़े आईलेट्स दा पेपर देण वाले उहनां दे चंगे नंबर आण, और जे किसी नूं भी कोई आईलेट्स च भी कोई हैल्प दी लोड़ है तां लैंडमार्क इमीग्रेशन दे एक्सपर्ट टीचर्स नाल राबता कायम कर सकदा। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो 25 जून नूं गुरप्रीत जी लुधियाना होणगे, अज असीं 23 जून दे विच आ, सो कल 24 ते परसों 25 जून। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।